your permission, we are about to start Hasbe Dark. Yes, vitamin, vitamin. Vitamin? अंग्रेजी बोल रही है ना कोई? अच्छा, मैं हस्बे डाक पढ़ लूँ उर्दू में? जी जी. नसीर काशिफ वकार उर्फ जावेद पाकिस्तान मिंट लाहौर से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल. वालेकुम अस्सलाम. अजीज साहब, आपके गोरे रंग को देखते हुए मैंने सोचा कि अपने मसले का हल मैं आपसे ही पूछ लूँ. जी. मेरा रंग धूप में फिर फिर कर बहुत तेज सांवला हो गया है, प्लीज रंग गोरा करने का कोई आसान और सस्ता नुस्खा बता दें. बड़ा आसान तरीका है, एक तो सबसे पहले धूप में फिरना छोड़ो, और अगर बाहर निकलते हो तो मुंह सिर पे कपड़ा लपेट के निकला करो. धूप में फिरने से तो रंग होता ही है काला. इसमें तो को सन 80 में बुजुर्गों ने कह दिया था, धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए. अजीजी साहब, ये लड़के ने मेल लिखी है. धूप में निकला न करो रूप के राने, काला रंग मैला न पड़ जाए. और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि चाय पीना छोड़ो. अब ये ना कह देना कि पाज ने आज भी चाय पीता ही है तो गोरा है. ये चाय दम करा के पीता है, इसलिए तुम इसके पीछे ना लगो, अपने सेहत का खुद ख्याल करो. और दूसरी अहम बात यह है कि दूध पिया करो, दूध पीने से बंदा गोरा होता है. अब ये ना कह देना कि कटा भी दूध पीता है वो तो काला होता है. और तीसरी अहम बात यह है, करो नहाया करो, ना नहाने से भी बंदा काला हो जाता है. अब ये ना कह देना कि डौला तो होता ही हर वक्त पानी में है, वो क्यों काला? यार ये क्यों हर बात में मेरे साथ बहस कर रहे हैं? कभी कह रहा है कि डौला भी पानी में होता है, वो क्यों काला होता है? कभी कह रहा है कि कट्टा भी काला होता है, वो भी दूध पी. मैंने नहीं यार तुम्हें बताना. बेटे मेरी बात सुनो, अल्लाह पाक ने जो आपका रंग बनाया हुआ है ना, उस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और उसी पे फखर करते हैं. रंग को कम्प्लेक्स नहीं अपना बनाते, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हर हालत में. अब ये देखो, ओबामा का रंग काला है, वो सदर हो गया, इसमें कौन सी बात है? मेरा रंग लाइट गंदमी है. एको गंद में फिर फिर के गंदमी नहीं हुआ, ये अल्लाह ताला की देन है. कोई यार तुम हंसते क्यों हो यार? मेरे जेन में एक मैं टोट बटोट बंदा नहीं हूं यार, समझाने दो बच्चे को यार. क्या करते हो बेटे? रंग जो भी हो वो अच्छा होता है, बस टोकन वाला नहीं होना चाहिए. अच्छा जी, रहमान औरंगजेब डेरा इस्माइल खान से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल. वालेकुम अस्सलाम जनाब. अजीज साहब, आप ऐसे सियासतदानों का मजाक ना उड़ाया करें जो इक्तदार में आने के लिए तड़पते रहते हैं, क्योंकि उनके लिए इक्तदार पानी और वो खुद मछलियां होती हैं जो पानी के बगैर नहीं रह सकती. हाय 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 हाय, कैसी गहरी बात की है इन्होंने. कितना कितना पानी बताया जिसमें ये मछलियां होती है. पानी नहीं बताया. नहीं, बात तो गहरी है ना. मछली और पानी की बात कर रहे हैं तो गहरी बात ही हुई ना. वैसे बेटे हम तो मछलियों का मजाक नहीं उड़ाते, हम तो कछू कुम्भों का और मगरमच्छों का मजाक उड़ाते हैं. मछलियां तो मासूम होती है, वो तो बेचारी आराम से पानी में. ऐसे करती फिर रही होती है. मगरमच्छ घड़ाज पूरा महकमा गैब. फैजा हाशमी इस्लामाबाद से लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम. वालेकुम अस्सलाम जी फैजा बाजी. अजीजी अंकल, मैं आपके जरिए एक बदतहजीबी का जिक्र करना चाहूंगी. आजकल स्कूल में अगर टीचर स्टूडेंट को डांट दे तो नेक्स्ट डे उनकी अम्मी स्कूल आके बच्चे के सामने टीचर की बेइज्जती शुरू कर देती हैं और बच्चे उस्ताद की इज्जत करना भी छोड़ देते हैं. प्लीज इस हवाले से लोगों को समझाएं. सीरियस मसला शुरू हो जाओ जरा जल्दी. हंसो ना, टीचर का मसला. नहीं, वाकई बहुत पते की बात है, बहुत पते की बात है कि कम से कम बच्चों के वालदैन को इस बात का तमाम करके ख्याल करना चाहिए. बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर बच्चा घर में आकर टीचर्स के बारे में कोई ऐसी बात भी कहता है, कोई एतराज भी करता है बच्चा, तो कभी भी वालदैन को उसकी हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए, उसकी हौसला शिक नहीं करनी, उसको स्नब करना चाहिए. अरे बिल्कुल, उस्ताद की जो इज्जत है वो जिसने नहीं की उसको इल्म आ ही नहीं सकता. मैं समझता हूँ वो जाहिल रहता है हमेशा. इल्म हासिल ही वो करता है जो उस्ताद की इज्जत करता है. वो क्या कहते हैं कि बादब बा मुराद और बेअदब बे मुराद. कभी मुराद नहीं पा सकता बेअदब आदमी. और ये वालदैन को चाहिए कि ये बच्चे को सिखाएं, उसको ये एहसास दिलाएं.
जैसे घर में होता है यार, बीवी अगर जो है बच्चे की माँ यानी वो अगर बच्चे को मारे तो अगर पास से खामद शुरू हो जाए ना, क्यों मार रही है उसको, तो बच्चा चौड़ हो जाता है। तो अगर वो पास से कहे ना कि बेटे मार पड़ती है ऐसे, तुम गलत कर रहे थे इसलिए तुम्हें माँ ने मारा, इतने में ही वो ठीक हो जाती। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि अगर आपको स्कूल से या बच्चे के टीचर से कोई एतराज है, कोई शिकायत है, तो वो कम से कम बच्चे के सामने कभी उसके साथ डिस्कस ना करें, वो अलहदा होकर उससे बात करें और मशवरा तन करें। हाँ। उसको डांटे ना, उसकी हौसला अफजाई करें, उसको इज्जत दें ताकि वो अपने बच्चे की, आपके बच्चे की इज्जत बढ़ाने में आपके काम आए। अच्छा जी, अगली मेल हमें सैयद ओन रजा ने भावलपुर से लिखी है। अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम सलाम ओन साहब। अजीजी अंकल, वापडा आपका गुस्सा हम पर निकाल रहा है। शाबाश, मैं वापडा के ट्रांसफार्मर पे चढ़ गई। झुकते आप उन्हें लगाते हैं और 8-8 घंटे की लोड शेडिंग हमें भुगतना पड़ती है। प्लीज वापडा वालों से दोस्ती कर लें। मैं किस तरह दोस्ती करूं, मैं तो इधर चैनल पे आते हुए रास्ते में हर खंबे के साथ जफी लगा रहा होता हूं, उसके पैर ही पड़ रहा होता हूं कि इड़ा वड़ा हो गया। वो अकल कर खोते जिड़ा हो गया, तो वेला खलोता रहने को काम का। किस तरह सुलह करूं वापडा से, उनकी किसी नंगी तार के साथ हाथ मिला लो, क्या करूं मुझे बताए। आपको क्या पता कि मुझे कितनी सख्त गर्मी लगती है, हिमान से मेरा तो दिल करता कि टेंड करा लूं। ये मुझसे लड़ता है, कहता टेंड ना कराना फिर लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन आएगी स्क्रीन पे। नाज़िम यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।